Hi friends, welcome back to the gameplay. It's my Aurangzeb. Let's continue Aladdin in Nasira's Revenge. Mission number 4 or say level number 4. हमेशा की तरह कॉइंस कलेक्ट करेंगे, बर्तन तोड़ेंगे. ओ, एक नया एनिमी आ चुका है जिसको हम पिलो एनिमी बोल सकते हैं या उर्दू में तकिया दुश्मन. और इसको मारने का तरीका आपको पता ही है, जो हमने गेम ने हमें सिखाया था ट्रेनिंग में, वी एक्स एंड जी. एक्स इज फॉर जंप एंड जी इज फॉर स्टॉर्म. तो यहाँ से सिक्के पकड़ने के बाद हम जाएंगे जो भी हमें रास्ता मिलता है. यहाँ से बेसिकली हम आए हैं दो जूसेस पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है. और यहाँ एक नया एनिमी है जो कि पागलों की तरह घूमता है. बस आप चाहें तो इसे मार सकते हैं, लेकिन चाहें तो इसे अवॉइड करें. लेकिन अगर इसे मारेंगे तो आपको सिक्के मिलेंगे. जिनी टोकन है, लेकिन आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं, नीचे एलिगेटर भी मौजूद है पानी में. ओ, वन मोर. थ्री हिट्स लेता है ये तकिया और उसके बाद गायब हो जाता है, जस्ट लाइक ऑल अदर एनिमीज इन अलादीन इन नसीरा'स रिवेंज. जिनी टोकन पकड़ने के लिए हमें पत्रा मोल लेना है एलिगेटर का. तो चलें देखते हैं क्या होता है. और एक हिट हमें कर ही गया. अगर आप चाहें तो वापस जाकर जूस पी सकते हैं और हेल्थ जो है लाइफ अपनी रीस्टोर कर सकते हैं. अच्छा, अब हमने कहाँ जाना है, हमने कहाँ जाना है. हमने बेसिकली ये स्विच प्रेस करना है. आपको दिखाऊं तो ये रहा स्विच. तो ये स्विच को पुश करने से दो प्लेटफॉर्म, बल्कि तीन प्लेटफॉर्म अपीयर हुए हैं. चार. यहाँ पर एक और स्विच है, इसको भी पुश करना होगा, जिसकी मदद से वो दरवाज़ा खुलेगा. तो ये दरवाज़ा किस साइड पर खुला है? आई थिंक इधर से ही, जहाँ से हम अभी आए हैं. सीधा चेक पॉइंट जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और सुल्तान की इमेज लगी नज़र आ रही है, जो कि जाफ़र का वज़ीर था. जाफ़र जिसको हम अलादीन में डिफ़ीट कर चुके हैं पहली गेम में. तो यहाँ पर कैनन जो है वो हमारे लिए तैयार करके रखा गया. और एक और जिनी टोकन और तकिया मौजूद है यहाँ पर. ये स्विच भी प्रेस करेंगे तो दो मज़ीद प्लेटफॉर्म अपीयर होंगे. आप किसी भी कैमरे को फर्स्ट पर्सन मोड में लाने के लिए ए का बटन होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से. यहाँ पर जैस्मीन की तस्वीर लगी, देख सकते हैं आप. जल्दी हम जैस्मीन का कंट्रोल भी संभालेंगे और उससे खेल भी सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है झूले लेने का. क्यू और डब्ल्यू से कैमरे को रोटेट कर सकते हैं आप, और एरो की से आप अलादीन को रोटेट कर सकते हैं. एक नया एनिमी देखने को मिला है. सेम मेथड यूज़ करना है जैसे पहले मारते आए एनिमीज़ को, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको दो हिट लगी हैं, ये एक बटन है. इसको पुश करेंगे तो प्लेटफॉर्म जो है वो वापसी का हमारा
वापसी का नहीं, सॉरी, आगे जाने का प्लेटफॉर्म जो है वो अपीयर हुआ, इसी वजह से हम नीचे गिर गए थे पहली अटेम्प्ट में। एक और कैनन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले ये फायर करता हमने पहले से ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नीचे एलिगेटर एक और मौजूद है, हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पिलो है एक और, यहाँ पर तीन स्विचेज हैं देखें तो, और तीनों को बारी बारी आपने ऐसे ऑन करना है, एक दफ़ा नहीं बल्कि दो दफ़ा, बल्कि तीन दफ़ा और चार दफ़ा एक्स्ट्रा ऊपर से इसके गुजर के पानी का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाना आपने। यहाँ एक और स्विच है जो कि हमें लेकर जाएगा आइस चैम्बर में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है और नए एनिमीज हैं, ब्रूम, झाड़ू, यानी कि झाड़ू भी आपको मारने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो इन्हें इग्नोर करके भाग सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं फिसलन बहुत है यहाँ पर, यहाँ पर इन्हें स्टॉम्प कर सकते हैं इस तरीके से। ये पिलो दुश्मन नहीं है आपका, बल्कि ये दोस्त है, क्योंकि इस पर आप जंप करके ऊपर जा सकते हैं। जब ये स्पिन करना रुक जाए इसको हिट करें, यहाँ पर जूस मौजूद है एक, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, और नीले रंग का तकिया मौजूद है। और यहाँ पर एक और एनिमी मौजूद है वैसा ही जैसा भी हमने डिफीट किया, इसको दो हिट्स लगती हैं फिर जाकर इसका खात्मा होता है। बदले में इसने हमें जूस दिया है। एक्स का बटन अगर आप इस तकिए पर प्रेस करते हैं तो आप बहुत हाई जंप कर सकते हैं। चेक पॉइंट भी लाजमी पकड़ें ताकि अगर चांस आपका ज़ाया हो जाए तो आप वापस आ सकें इधर से ही। इस बंदे की रेंज आपको पता करनी, कहां तक ये आ सकता है, नहीं तो आप बहुत बुरे हिट होंगे इसके, यानी ये बहुत ज़्यादा हिट करेगा आपको बहुत बुरे तरीके से। और फाइनली हम लेवल के इख्तिताम को पहुंचने लगे। ब्लॉक विद जी बटन एंड हिट विद स्पेस बटन। एक और एलिगेटर यहाँ पानी में मौजूद है, तो पानी में क्या कोई स्विच भी मौजूद है? नहीं। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जंप करना है आपने। और फाइनली हमने चले जाना है इस जगह पर, यहाँ पर चाबी मौजूद है और चाबी पकड़ते ही हम स्विच पुश करेंगे जिसकी मदद से खुल जाएगा फाइनल डोर जहाँ पर हमने जाना है। और ये फाइनल डोर है इस तरफ राइट साइड पर। ये हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ से गेम शुरू हुई थी, लेवल शुरू हुआ था सॉरी, और इस दरवाजे की हमें चाबी मिल गई है। हाँ, वही बर्फीली जगह, डोज करते हुए एनिमीज को हम सामने बैठी हुई है नसीरा, बल्कि खड़ी है, इसके पास पहुंचते ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 15 में से 12 एनिमीज हमने मारे हैं, टोटल 64 में से हमने पकड़े हैं पॉइंट्स 59, और 7 जिनी टोकन्स में से सिर्फ 2 पकड़े हैं, बाकी कहाँ थे आई डोंट नो। अगर आप पकड़ सकें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वक्त है बोनस स्टेज का, और जेम जो है हमने कोई नहीं पकड़ा, शायद इस मिशन में था ही नहीं। स्पेस का बटन होल्ड करके रखा है मैंने। लूजर
go! Spin again. Loser. तो ये ना फोर्थ लेवल, इसको सेव करते हैं। और अब होता क्या है कि अलादीन हो जाएगा कैद, आई थिंक सो। कट सीन स्किप करेंगे। तो अलादीन का जो मंकी है अबू, अब बारी है उसकी कि वो अलादीन को रिहाई दिलाए, छुड़ाए। तो ये नया करेक्टर है जिसके थ्रू अब आप गेम खेल सकते हैं। बात करेंगे इसके बारे में और मिशन नंबर 5 यानी लेवल नंबर 5 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू उर्दू गेम प्लेस। अल्लाह हाफिज़।